हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 से जो आपका हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस इन अर्ली मॉडर्न यूरोप 1। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवाने वाला हूं। और मैं जानता हूं इस सब्जेक्ट का आपको ज्यादा कंटेंट अभी तक नहीं मिल रहा होगा, बट अगर आप आज की ये वीडियो देखकर जाओगे तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। डीयू रेगुलर, एसओएल और एनसीवेप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इसकी फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं और आप फॉलो करना ना भूलें, यूजर नेम आपके सामने लिखा हुआ है। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, एकलव्य स्नातक 1 आपको सर्च मारना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, व्हाट वर द मेजर कल्चरल चेंजेस इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। अर्ली मॉडर्न यूरोप में कौन कौन से बड़े कल्चरल चेंजेस आ रहे थे? तो सबसे पहला चेंज है यहां पर रेनेसा। रेनेसा जो है आप कह सकते हो एनलाइटनमेंट का टाइम था, जब जो यूरोप है वहां के ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर रहे थे। और स्टार्टिंग इन द 14th सेंचुरी इसमें क्लासिकल आर्ट में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा था, लिटरेचर में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा था, लर्निंग की तरफ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है नॉलेज गेन करना चाह रहे थे। फिर उसके बाद रिफॉर्मेशन का टाइम आता है 16th सेंचुरी में। यहाँ पे मार्टिन लूथर का नाम अगर आपने कभी सुना हो या नहीं भी सुना तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने क्रिश्चियनिटी के अंदर रिफॉर्मेशन के लिए कोशिश करी थी। यानी कि जो क्रिश्चियंस हैं वो दो तरीके के होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। सो कैथोलिक पुराने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं, तो मार्टिन लूथर को वो थोड़ा गलत लगता था कि इतना ज़्यादा मतलब उनका नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने एक प्रोटेस्टेंट मतलब अलग ही सेक्ट बना दिया और ये भी इसी टाइम पर हुआ था। ये आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा। साइंटिफिक रिवोल्यूशंस हो रहे थे भाई बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। जैसे इस टाइम पे बहुत सारे स्कॉलर्स थे, थिंकर थे, कोपरनिकस, गैलीलियो गैली, न्यूटन, ठीक है, इन सभी ने धीरे धीरे अपनी थ्योरीज देना शुरू कर दी थी। एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, साइंस में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही थी। सो ये चेंजेस आ रहे थे। एनलाइटनमेंट का टाइम था 18th सेंचुरी तक आते आते लोग जो हैं रीजन के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाने, मतलब पहले लोग ज्यादा कुछ पूछते नहीं थे, हर चीज को मान लेते थे। अब लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाना सीख लिया था, रीजन हर चीज का, साइंटिफिक पीछे क्या रीजन है उसका। और बहुत सारे फिलोसोफर थे जैसे वोल्टेयर, रूसो, मोंटेस्क्यू, ये भी आने लगे थे इसी टाइम पे। और ये पोल साइंस में आपने कभी इनके नाम सुने होंगे। प्रिंटिंग प्रेस आपकी स्टार्ट हो जाती है, इन्वेंशन होती है प्रिंटिंग प्रेस की बाय द जोहानिस गुटेनबर्ग 15th सेंचुरी तक। और प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद तो भाई नॉलेज और ज़्यादा फैलने लगी, क्योंकि जो एक बुक है अगर आप उसको प्रिंट करोगे तो और ज़्यादा उसकी कॉपीज हो जाएंगी, और ज़्यादा दूर तक हो जाएंगी। सो प्रिंटिंग प्रेस भी आ गया था। एक्सप्लोरेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसी टाइम पर ज्यादातर यूरोपियंस ने दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था और पानी वाला जहाज लेकर वो जाते थे, ट्रेड वगैरह उन्होंने करना शुरू कर दिया था, जिससे आइडियाज का, गुड्स का और कल्चरल प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज होने लगा था, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखो मैं आपको की पॉइंट बताता हूं, आप इसको ही आगे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको मेन मेन की पॉइंट्स बताता हूं। फिर उसके बाद है डिस्कस द लेगेसी ऑफ द क्लासिकल एंड मिडेवल पीरियड इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। सो अर्ली मॉडर्न यूरोप में जो है यहाँ पे क्लासिकल और मिडेवल पीरियड जो है उसकी क्या लेगेसी रही है। सो इसकी लेगेसी जो है, आप अगर यहाँ पे देखोगे आप 15th to 18th सेंचुरी के बीच में जो क्लासिकल पीरियड है वो माना जाता है, ये क्लासिकल पीरियड का मतलब होता है जो एंशियंट जो ग्रीस और रोम की सिविलाइजेशंस थी, और मिडेवल पीरियड वो माना जाता है जो मिडल एज का टाइम जिसको बोला गया है। सो काफ़ी ज़्यादा यूरोप की सोसाइटी में चेंज आ रहे थे, पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे, कल्चरल भी चेंजेस आ रहे थे। आप देखोगे अगर ह्यूमनिज्म और रेनेसा, ये एक बहुत बड़ा चेंज था। क्लासिकल पीरियड जो था वो आप अगर देखोगे विद इट्स एम्फेसिस ऑन फिलोसफी, लिटरेचर एंड आर्ट, ये बहुत मतलब रेनेसा का जब पीरियड आया सो ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था। यानी कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो रहे थे 14th सेंचुरी तक आते आते।
और ह्यूमैनिज्म बहुत ही ज्यादा एक फेमस वर्ड है जो रेनेसा के टाइम पे यूज होता है। ये क्या है? फोकस्ड ऑन द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, जो पुरानी जितनी भी लर्निंग्स हैं उसको सही से रिवाइव करके, उसको अपडेट करके, दोबारा से लोगों का इंटरेस्ट दिलवाना पढ़ाई की तरफ, ठीक है। और ह्यूमन जो है, मतलब एक तरीके से डेवलपमेंट हुआ उस टाइम पे बहुत ज्यादा। जो क्लासिकल टेक्स्ट थे, जो पुरानी चीजें थी, किताबें थी, उनको दोबारा से पढ़ा गया, ठीक है। और लिटरेचर, आर्ट एंड साइंस में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट होने लगा। और ये जो इंटेलेक्चुअली यूरोप रिवाइव हो रहा था, पहले जो है डार्क एज मानी जाती है, क्लासिकल जो एज है या फिर रेनेसांस से पहले माना जाता है, सब सोए पड़े थे। लेकिन जैसे रेनेसा का पीरियड आया, लोगों ने एजुकेशन की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया और ज्यादातर लोग सेक्युलर होने लगे, लिबरल आर्ट्स की तरफ जाने लगे, अपने करिकुलम में ऐड करने लगे लिबरल आर्ट्स वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स को भी। और साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी इसी टाइम पे होती है। मिडिवल पीरियड के अंदर बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स आ गए थे भाई, जैसे एरिस्टोटल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। इन्होंने एक नई तरीके से इंक्वायरी करना शुरू कर दिया था, हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दिया था। और साइंटिफिक रेवोल्यूशन धीरे धीरे 16th to 18th century तक आते आते बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहे थे फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में। बहुत सारे थिंकर जैसे कोपरनिकस, गैलीलियो, गैली, केपलर, न्यूटन, इन्होंने भाई पुराने जो जो भी बातें चलती थी उस पे क्वेश्चन मार्क लगाए और एक नए तरीके से साइंस को इन्होंने बताया, चेंज करा साइंस में इन्होंने। सो ये भी इसी टाइम पे हुआ। रिफॉर्मेशन और काउंटर रिफॉर्मेशन, ये मैंने आपको पीछे बताया था, ये टॉपिक बार बार आएगा भी आने वाले आगे कई क्वेश्चंस में, तो वही चीज आपको बतानी है। दो तरीके के चर्च थे, यानी कि आप कह सकते हो चर्च क्या, दो तरीके से आपका क्रिश्चियनिटी डिवाइडेड था। एक तो प्रोटेस्टेंट वाले लोग हैं, कैथोलिक हैं, कैथोलिक पुराने वाले हैं, जिसमें जो उनका मेन, जो मेन मुखिया होता है वो पोप होता है, जो सबसे बड़ा पुजारी पादरी होता है, वो उसकी ज्यादा चलती थी। सो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग ये चाहते थे कि भाई उसको क्यों इतनी पावर दे रखी है। सो ये एक तरीके से प्रोटेस्टेंट वही लोग होते हैं जो इनके अगेंस्ट थे, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है मार्टिन लूथर का, जॉन कैल्विन का, ये कुछ रिफॉर्मर्स थे, ठीक है। आगे अभी आएंगे क्वेश्चन इसके ऊपर भी। पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे इस टाइम पे, जैसे फ्यूडल स्ट्रक्चर, फ्यूडलिज्म बहुत ज्यादा चलता था भाई, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, उनके अंडर बहुत सारे जो हैं पीजेंट्स काम करते थे, ठीक है। और ये फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं फिर कनेक्टेड होते थे राजा के साथ में, सो ये बहुत ज्यादा चलता था। और फ्यूडल स्ट्रक्चर्स ऑफ द मिडिवल पीरियड गेव वे टू सेंट्रलाइज्ड मोनार्कीज, यानी कि अब यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड मोनार्कीज आने लगी थी, यानी कि राजा के पास ही सारी पावर होती थी, ठीक है। और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि एब्सोल्यूट मोनार्की का राइज होता है फ्रांस के अंदर, स्पेन के अंदर। ये कुछ पॉलिटिकल चेंजेस थे। इससे पहले जो है ना फ्यूडलिज्म ज़्यादा डोमिनेंट था यूरोप में, बट धीरे धीरे अब मोनार्की आने लगी थी। एंड द क्लासिकल पोलिटिकल थियोरीज थिंकर्स लाइक एरिस्टोटल, प्लेटो, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड अर्ली मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स, यानी कि कई लोग जो थे इनके थॉट्स को पढ़ रहे थे, ठीक है। और इन्होंने भाई पोल थ्योरी में बहुत कुछ लिखा है, एरिस्टोटल और प्लेटो ने। इन्होंने बताया है कि गवर्नेंस कैसे होती है, अच्छी गवर्नेंस कैसे होती है, सोसाइटी में आपको कैसे रहना है, आपके इंडिविजुअल राइट्स क्या होते हैं। सो ये सारी चीज़ें हो रही थी इस टाइम पे। और लेगेसी इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो भाई इस टाइम पे जब रिनेसा वगैरह हो रहा था, जो मिडेवल पीरियड है, इसमें धीरे 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 क्या हो रहा था, जो क्लासिकल एस्थेटिक्स, एम्फेसाइज्ड रियलिज्म, पर्सपेक्टिव ह्यूमन एनेटॉमी, ठीक है, ये सारी चीज़ों पर फोकस किया जा रहा था। और एक आर्टिस्ट है जैसे लियोनार्डो डाविंची और मिकेल एंग्लो, रफेल, ठीक है, मिचेल एंजेलो और रफेल, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर दी थी, ठीक है। ये कुछ आर्टिस्ट हैं जो नाम बता रहा हूँ आपको। ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी इस टाइम पे बहुत डेवलपमेंट हो रहा था। और यही है, मतलब नए नए तरीके के आर्किटेक्चर स्टाइल्स भी आने लगे थे, ठीक है, जैसे बैरोको, रोकोको, ये कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनाने की स्टाइल्स थी नए तरीके की, यूरोपियन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स मेड इन द साइंसेस ड्यूरिंग द रिनेसा। अब जो रिनेसा का जो पीरियड था,
यानी कि जिस टाइम पे इंटेलेक्चुअली रिवाइव हो रहा था पूरा, जो मिडिल जो टाइम पे जो यूरोप है, क्या क्या साइंस में अचीवमेंट्स हुए। सबसे पहले कोपरनिकन रेवोल्यूशन हुई, यानी कि निकोलस कोपरनिकस जो है उन्होंने एक सोलर सिस्टम का हीलियोसेंट्रिक मॉडल बताया, यानी कि सोलर सिस्टम की उन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन दी। और इन्होंने पहले का जो एक चल रहा था जो मॉडल, उसको इन्होंने एक मतलब तरीके से नकार दिया, और इन्होंने मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी को आप कह सकते हो कि सबके सामने लाया। ठीक है, सो कोपरनिकस का नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है सोलर सिस्टम के बारे में। जब भी आज जो हम मॉडर्न टाइम में पढ़ रहे हैं ना, वो इन्हीं की देन है। और गैलीलियो गैली इस टाइम पे बहुत ज्यादा साइंस के लिए इनको नाम इनका जो है फेमस है। जैसे गैलीलियो गैली ने क्या किया था, मेड ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशन यूजिंग द टेलीस्कोप। इन्होंने टेलीस्कोप का यूज किया था, और इन्होंने डिस्कवरी करी थी जुपिटर के मून्स वगैरह की, जो जुपिटर से जो चांद वगैरह दिखते हैं, और वीनस वगैरह के बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी करी थी, वीनस प्लेनेट के बारे में। और इन्होंने कोपरनिकस को सपोर्ट किया था, ठीक है, और इन्होंने फिजिक्स के लिए बहुत कुछ मतलब कंट्रीब्यूशन दिया था। फिर केपलर एक और स्कॉलर थे, एक और साइंटिस्ट आप कह सकते हो। इन्होंने क्या है, जैसे जोहेनिस केपलर ने तीन लॉज बनाए थे जो कि प्लैनेट्स के मोशन को बताते हैं, सन के चारों तरफ कैसे प्लैनेट घूमते हैं। इससे हमें और एक्चुअली अच्छे से पता चला एक्यूरेटली कि प्लैनेट्स की जो ऑर्बिट्स हैं, या प्लैनेट्स का जो मतलब पूरा एक मोशन का तरीका है, या जो तारे वगैरह होते हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, वो कैसे करती हैं। यानी कि पहले हमें नहीं पता था ये सारी चीज़ें, इन साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारी मतलब अचीवमेंट्स हासिल कर ली थी। फिर हार्वे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, विलियम हार्वे एक इंग्लिश फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, इन्होंने सबसे अच्छे से बताया कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में, और इससे हमारी आज की जो फिजियोलॉजी है ना उसको बहुत मदद मिली, क्योंकि हमें ब्लड फ्लो का जो है सब कुछ इन्हीं ने ही अच्छे से बताया। फिर वेसेलियस एंड ह्यूमन एनाटॉमी, सो एंड्रियास वेसेलियस जो एक और बड़े स्कॉलर साइंस के, वो बताते हैं इंसानों की एनाटॉमी कैसी होती है, अच्छे से इन्होंने इलस्ट्रेट करके दिखाया, ठीक है। और जो इन्होंने जो चीज़ ये जो जो मतलब प्रिपेयर करी थी, उसको कहा जाता है डी ह्यूमैनी कॉर्पोरिस फैब्रिका। ये इन्होंने पूरी ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बताया है इसके अंदर सबसे पहले। फिर साइंटिफिक मेथड्स, सो इसके क्या है, रिनेसा के टाइम पे बहुत सारे मतलब पहले क्या होता था ना, जैसा चर्च बोलता था ना वैसा सभी लोग मान लेते थे, ज्यादा क्वेश्चन मार्क साइंटिफिक रीजन नहीं पूछते थे। अब जब से साइंटिफिक रेवोल्यूशन होने लगा था ना, सो लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाना स्टार्ट कर दिया, इंक्वायरी करना शुरू कर दी। पहले चर्च वालों की बात हर कोई मान लेता था, अब यहाँ पे इन्होंने मानने से मना कर दिया, लोग क्वेश्चन मार्क लगाने लग गए। मैथमेटिकल एडवांस, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुई, मैथमेटिशियंस हुए बहुत ज़्यादा, जैसे लियोनार्डो दिविंची और लूको पेशियोली, और भी बहुत सारे लोग आते हैं। इन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर बहुत कुछ लिखा है, बहुत ज्योमेट्री वगैरह के बारे में इन्होंने लिखा है, इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कुछ लिखा है। बोटेनिकल स्टडीज बहुत ज़्यादा होने लगी इस टाइम पे, रिनेसों के पीरियड में बॉटनी यानी कि जो प्लांट्स की स्टडी होती है वो बहुत ज़्यादा होने लगी इस टाइम पे। और कुछ यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं जैसे लियोन हार्ट फुक्स और हियरोनोमियस बॉक, ये दो नाम है जिन्होंने सबसे ज्यादा बॉटनी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। सो ये भी इस टाइम पर थे। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। फिर उसके बाद है गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस फिलोसफीज दैट एमर्ज एट द टाइम ऑफ रेनेसा। रेनेसा के टाइम पे कौन कौन सी फिलोसफीज आई। एक तो सबसे पहले ह्यूमेनिज्म बहुत ज्यादा इसका नाम लिया जाता है, रेनेसा का नाम जब जब लिया जाता है ह्यूमैनिज्म का नाम भी लिया जाता है। ये हमें क्या बताता है, बहुत सारे ह्यूमैनिज्म के स्कॉलर्स हुए हैं जैसे पेट्रार्क और एरेस्मस, ये कहते हैं कि क्लासिकल टेक्स्ट को पढ़ो, और जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे लिटरेचर हिस्ट्री एथिक्स इसको पढ़ो, लोगों को भी पढ़ाओ, और मतलब हमारे जो पहले के जो टेक्स्ट थे, ठीक है, जो हमारे एंशियंट ग्रीक टेक्स्ट हैं, जो रोम के टेक्स्ट हैं, वो दोबारा से रिवाइव करके बच्चों को पढ़ाओ ये सारे सब्जेक्ट्स, ये इस टाइम पे बात आई। नियो प्लेटोनिज्म, अब इसके बाद क्या है, ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द एंशियंट फिलोसफर प्लेटो। यहाँ पे क्या है कि पहले प्लेटो हुए थे, प्लेटो ने बहुत सारी फिलोसफीज दी थी। फिर इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे थिंकर्स आते हैं जैसे मार्सिलियो फिसिनी, पीको डेला मिरांडोला, ये क्या है कि इनके प्लेटो की फिलोसफी को और आगे अच्छे से लेकर आते हैं, नए तरीके से अपडेट करके पेश करते हैं लोगों के सामने, ठीक है। और मकैवेलिज्म,
ठीक है। सो निकोलो मकेवली हुए थे, एक और पॉलिटिकल फिलोसफर है, थिंकर है, और ये बताते हैं कि मतलब पावर के बारे में इन्होंने लिखा था कि मतलब जो राजा महाराजा मतलब राजा महाराजा होते हैं, रूलर्स होते हैं, उनको थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। मोनार्की का मतलब ये नहीं है आप कुछ भी करोगे, और मतलब यही है कि मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, पावर सही से मेंटेन हो, ठीक है। ये मैकेवली ने इस टाइम पर लिखा था और इनकी ये फिलॉसफी कहलाती है मैकेवलिनिज्म। फिर है एम्पीरिसिज्म एंड साइंटिफिक रिवोल्यूशन। सो भाई ये हमने पीछे पढ़ लिया है साइंटिफिक रिवोल्यूशंस के बारे में, वही पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो, ये भी एक फिलॉसफी थी। स्केप्टिसिज्म यानी कि रिनेसा के जो थिंकर्स हैं जैसे माइकल डी मोंटेग्न, और ये क्या बताते हैं, क्वेश्चन करते हैं मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर, ये ज़्यादा मतलब ये कहते हैं कि जो आप कुछ भी कर रहे हो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाओ, ठीक है, क्वेश्चन करो। और ये कहते हैं कि इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है डाउट की और क्रिटिकल थिंकिंग की, कोई कुछ भी कह रहा है तो उसको ऐसे ही मत मान लो एज इट इज़। ये कहते हैं कि आपकी नॉलेज अगर आपको बढ़ानी है और जो भी आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाओ, पूछो, उसके पीछे का रीज़न जानो। फिर है सेक्युलरिज्म। रेनेसा के टाइम पर सेक्युलरिज्म में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा लोगों का, और पहले क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियसली मतलब वो रहते थे, फोकस्ड रहते थे, अब लोग थोड़े थोड़े सेक्युलर होने लगे थे और लोग जो हैं थोड़ा मतलब रिलीजियस उस सर्कल से बाहर आकर भी सोचने लगे थे, सेक्युलरिज्म इस टाइम पे आ गया था। हेरमेटिसिज्म ये क्या है, विद रूट्स इन एंशंट इजिप्टियन एंड ग्रीक ट्रेडिशंस, हेरमेटिसिज्म एक्सपीरियंस द रिवाइवल ड्यूरिंग द रेनेसा। ये फिलोसफी क्या है, हमें ये बताती है कि मतलब जो डिवाइन और जो नेचर और ह्यूमैनिटी है, इन तीनों को जोड़कर हमें जो नॉलेज मिलती है वो बातें इसके अंदर की जाती हैं, और इसके अंदर जो टीचिंग्स हैं वो यहाँ पे बताई जाती हैं, जैसे एट्रीब्यूटेड टू हर्मेस ट्राइस मेगिस्टस इंस्पायर्ड थिंकर्स लाइक जियोर्डानो ब्रूनो, ये कुछ थिंकर्स हैं और इनकी जो बातें हैं वही इसके अंदर इस फिलोसफी में बताई गई हैं कि जो मतलब जो एक हमारी डिवाइन पावर होती है, ठीक है, उसके बारे में, जो एंशियंट जो इजिप्ट था उसमें जो डिवाइन पावर होती थी, ग्रीक ट्रेडिशंस में जो डिवाइन पावर रही है, जो उसका नेचर कैसा था, वो सब इसमें बताया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है डिस्कस द इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशंस। जो रिफॉर्मेशन चल रहा था क्रिश्चियनिटी में उसका इकोनॉमिक और कल्चरल क्या इम्पैक्ट पड़ा। सो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो इसका कुछ ऐसा था कि जो चर्च का इन्फ्लुएंस था ना भाई, वो अब धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया, क्योंकि रिफॉर्मर्स जितने भी थे वो अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे, चर्च वालों की, कैथोलिक वालों की। और चर्च तो आपको पता है टैक्स लेता था कई तरीके से वो पैसे छापता था, प्रोटेस्टेंट वालों ने इनकी कमाई ठप करवा दी और कैपिटलिज्म का राइज हुआ। अब होता क्या है, कुछ स्कॉलर्स ये बताते हैं कि जो रिफॉर्मर्स थे ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं कैपिटलिज्म के आने में, क्योंकि जो प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक एम्फेसाइजिंग हार्ड वर्क, थ्रिफ्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये प्रोटेस्टेंट लोग कहते हैं हार्ड वर्क करो, और मैक्स वीबर जो कि एक स्कॉलर हैं वो भी मतलब बोलते हैं कि ये प्रोटेस्टेंट इलाकों में जहाँ जहाँ पर भी ये प्रोटेस्टेंट लोग रहते थे वहाँ पर कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। सो कैपिटलिज्म भी यहीं से आया। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें क्या है कि जो मतलब प्रोटेस्टेंट लोग जितने भी थे वो ये कहते हैं कि कॉन्फिस्केशन ऑफ चर्च लैंड्स एंड प्रॉपर्टीज इन प्रोटेस्टेंट एरियाज लेड टू अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सभी लोगों को ये चाहते थे कि कुछ पैसे मिले। दिस अलाउड फॉर द राइज ऑफ अ न्यू क्लास ऑफ लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द एमरजेंस ऑफ अ मोर डायनेमिक इकोनॉमिक सिस्टम। दोबारा से वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन ये लोग करवाना चाहते थे और हुआ भी, जिससे कि एक नया इकोनॉमिक सिस्टम बना, और इसके कल्चरल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा थे। इन रिफॉर्मर्स की वजह से रिलीजियस प्लूरलिज्म बढ़ा। ये जो रिफॉर्मर्स वगैरह थे ना, ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिटी हो यूरोप के अंदर, जिससे कि बाकी के भी जो लोग हैं, अलग अलग कल्चर के जो लोग हैं, ठीक है, वो भी मतलब आकर जुड़ें मतलब हमारे साथ में। दिस रिलीजियस प्लूरलिज्म इन्फ्लुएंस कल्चरल डाइवर्सिटी, और मतलब यूरोप में इसकी वजह से क्या हुआ, कल्चरल डाइवर्सिटी आने लगी। पहले क्या होता था, यही लोग बहुत मतलब क्रिश्चियनिटी वाले जो पुराने वाले थे ये अपने को ही सबसे ऊपर मानते थे, बट धीरे धीरे एक रिलीजियस प्लूरलिज्म आने लगा। एजुकेशन और लिटरेसी, जो प्रोटेस्टेंट वाले लोग थे ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं
कि मतलब आप बाइबल की इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन देखो, वो मत देखो जो चर्च में पादरी आपको बता रहा है। ये कहते हैं खुद बाइबल पढ़ो, इससे आपको लिटरेसी भी आपकी बढ़ेगी, एजुकेशन आपकी बढ़ेगी, लोग पढ़े लिखे ज़्यादा बनेंगे। सो इस तरीके से एजुकेशन भी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अब होता क्या है, ये जो रिलीजियस जितने भी इनके मूवमेंट थे, ये हमें आर्ट वगैरह में देखने को मिल जाते हैं, और प्रोटेस्टेंट लोग जो हैं जहाँ पर भी थे वहाँ पर ये देखते हैं, कैथोलिक आर्ट जो था, आर्किटेक्चर था, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, और जो प्रोटेस्टेंट लोगों का आर्ट आर्किटेक्चर था वो ज़्यादा होने लगा, फैलने लगा। म्यूज़िक की बात करें, सो रिफॉर्मेशन की वजह से इम्पैक्ट पड़ा म्यूज़िक के ऊपर, और प्रोटेस्टेंट लोगों ने खुद की हेमेंस वगैरह बनाई खुद के लिए, ये मतलब खुद ही सब कुछ, ये सिंगिंग वगैरह करते थे सभी लोग मिलकर। कुछ कंपोजर हुए जैसे जोहान सेबेस्टियन बैच, जो कि मतलब एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे उस टाइम पे, कंपोजर थे। तो इस टाइम पे म्यूजिक में भी बहुत असर पड़ा, शिफ्ट इन वैल्यूज। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो थे, जो मतलब रिफॉर्मर्स थे ज्यादातर, वो आप अगर देखोगे, ये कहते हैं कि आप डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाओ गॉड के साथ, बीच में पादरी को मत लाओ, कि मतलब गॉड से आपको कुछ अगर मांगना है तो आप पादरी के पास जाओगे, वो आपके लिए मांगेगा। और ऐसा ही होता था, पादरी लोग क्या करते थे, जैसे चर्च है यहाँ बीच में लोग हैं, और आप पादरी के पास जाओगे तो पादरी बोलेगा मुझे कुछ पैसे दो, मैं आपके लिए आगे गॉड से बात करूंगा। सो यहाँ पर ये रिफॉर्मर्स ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता भाई, खुद आप खुद पूजा करो, भगवान से खुद जुड़ो, ये इन्होंने बताया। फिर है डिस्कस द चेंजेस एंड अपहीवल्स इन रिलीजन इन कंटेक्स्ट ऑफ द पेपेसी एंड इट्स क्रिटिक्स। सो अब यहाँ पे होता क्या है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले है द ग्रेट स्किज्म। ये क्या है, ग्रेट स्किज्म एक टाइम था जब कैथोलिक चर्च के अंदर डिवीजन हो रहा था, व्हेन देयर वर राइवल क्लेमेंट्स टू द पेपेसी, जहां पर कुछ लोग पेपेसी के ऊपर, यानी कि जो पोप होता है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे। सो यहाँ पे क्या है कि देयर वर इवन थ्री पोप्स साइमल्टेनियसली, सो दिस स्किज्म वॉज इवेंचुअली रिजोल्व थ्रू द काउंसिल ऑफ कॉन्स्टेंस, लीडिंग टू द इलेक्शन ऑफ पोप मार्टिन फिफ्थ एंड द रीयूनिफिकेशन ऑफ द चर्च। इसका लास्ट में कंक्लूजन ये निकला कि अभी तक तो पोप को ही सब कुछ मतलब दे रखी थी पावर वगैरह। फिर उसके बाद 16 सेंचुरी तक आते आते प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का टाइम आया। अब इसमें मार्टिन लूथर, जिनका नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है, इन्होंने कि आप यहाँ पे क्या करा कि प्रोटेस्टेंट लोगों को इकट्ठा करा, और द काउंसिल ऑफ ट्रेंट जो एक काउंसिल हुई, और यहाँ पे क्या है कि कैथोलिक चर्च वाले भी आए, और यहाँ से रिफॉर्म्स होना स्टार्ट हुए चर्च के अंदर। जो बुराइयाँ थी वो धीरे 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 धीरे, ये सबसे बड़ा पीरियड माना जाता है जो जिस टाइम पे चेंजेस आ रहे थे। फिर है द काउंटर रिफॉर्मेशन। इन रिस्पॉन्स टू द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, कैथोलिक चर्च जो है उसने एक काउंटर रिफॉर्मेशन वो लेकर आए, अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स, यानी कि वो एक काउंटर रिफॉर्मेशन लेके आते हैं चर्च के अंदर, उन्होंने बदलाव करे, जैसे द सोसाइटी ऑफ जीसस या जेसुइट्स इनको कहा जाता है। इन्होंने जेसुइट्स को काम पर लगा दिया कि जितना ज़्यादा हो सके क्रिश्चियनिटी को दुनिया भर में फैलाओ। तो जेसुइट्स लोग जो होते थे ये जाते थे, फिर हर मतलब मिशनरी लोग होते हैं ये जो दुनिया भर में जाते थे और क्रिश्चियनिटी को फैलाने लगे आसान तरीके से। फिर है द फर्स्ट वेटिकन काउंसिल, ये 1869 से 1870 में हुई। इस काउंसिल में क्या हुआ था, जो पोप वगैरह के बारे में थी यही सब बातें हो रही हैं कि भाई मतलब पोप की जो अथॉरिटी है बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ बात होनी चाहिए, और भाई पूजा पाठ के मुद्दों को छोड़कर पोप तो और भी मैटर में घुस रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बातें यहाँ पर आती हैं। फिर उसके बाद सेकंड वेटिकन काउंसिल होती है 1962 से 1965 में। सेकंड वेटिकन काउंसिल में क्या है, इसके अंदर जो कन्वेनर थे, यानी कि जो काउंसिल करवा रहे थे, उनका नाम था पोप जोन, ठीक है, और ये क्या है, इसके अलावा पोप पोल भी आते हैं इसके बाद में, और ये कुछ रिफॉर्म्स करना चाहते हैं कैथोलिक चर्च के अंदर इस टाइम पीरियड में, और वो चाहते हैं कि मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग चर्च के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं मॉडर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, हमें अगर अपने आप को सही करना है तो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो इन्होंने चेंजेस करे इस काउंसिल में। फिर है पोप फ्रांसिस एंड कंटेम्प्रेरी रिफॉर्म्स। तो पोप फ्रांसिस, ये जो पोप है, इनको 2013 में इलेक्ट किया गया था, ये सबसे रिसेंट है, और ये सोशल जस्टिस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि और मतलब कई सारे रिफॉर्म्स ये लेकर आए, यानी कि सोशल जस्टिस हो, मर्सी, ह्यूमिलिटी, ये सब चीज़ों के ऊपर लेकर ये बात करते हैं।
और भी बहुत सारी चीजें, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, और एक तरीके से पोप वगैरह की पूजा वगैरह ना हो ज्यादा, ठीक है, और द एंड द पेस्टोरल अप्रोच टू डिवोर्स एंड रीमैरिड कैथोलिक्स, ये भी कुछ बातें थी कि जो डिवोर्स को लेकर और दोबारा से शादी करके क्या आप आ सकते हो, या मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने रिफॉर्म करे, ठीक है। सो ये कुछ रिफॉर्म थे। अब इनके कुछ क्रिटिक्स भी हैं, ठीक है। अब पोप वालों के क्रिटिक्स भी बहुत सारे हैं जो पोप को गलत बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस इनका बहुत ज्यादा है, जो पेपेसी है यानी कि पोप की पावर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, पोप जो है पॉलिटिकल मामलों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। भाई पोप का काम होता है आप अपना पादरी वाला काम करो ना, जो फादर वाला काम होता है, आप अगर घुस रहे हो अगर पावर स्ट्रगल्स में, पॉलिटिकल स्ट्रगल्स में, तो ये गलत है। फाइनेंशियल स्कैंडल बहुत सारे भाई घोटाले कर देते थे पोप वगैरह जो होते थे, ट्रांसपेरेंसी कुछ भी नहीं होती थी, टैक्स पर टैक्स छापे जा रहे हैं, और सेक्सुअल एब्यूज के स्कैंडल बहुत बारी आ जाते थे, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत बारी चर्च जो है इसमें भी मतलब जो मतलब एलिगेशंस लगते हैं पोप वगैरह के ऊपर कि इन्होंने मतलब सेक्सुअल अब्यूज भी किया है कई लोगों के साथ, और कई लोगों का भरोसा उठ रहा है चर्च के ऊपर से, ऐसा भी हो रहा था। और एक्यूमेनियल रिलेशंस, कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं बोथ जो कैथोलिक हैं वो भी और कैथोलिक नहीं है वो भी, कि पोप जो लोग हैं ना वो इतना ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं बाकी के चर्चों को यूरोप के इकट्ठा करने के लिए, यानी कि और भी तो चर्च होंगे ना यूरोप के अंदर, सो उन सभी को एक करो ना, एक यूनिटी वाली जो फीलिंग है वो पोप कर नहीं रहा है। पोप तो भाई जिस चर्च का है वो अपने ही बारे में सोचे जा रहे हैं। फिर है पोप फ्रांसिस एंड रिफॉर्म्स। तो पोप फ्रांसिस मैंने आपको अभी बताया है सबसे रिसेंट वाला है, इसने तो बहुत सही काम करे हैं, जैसे विमेन का रोल बढ़ाया है चर्च के अंदर, सोशल जस्टिस की इसने बात करी है, और भी जो रिफॉर्म्स हो सकते हैं इसने कहा है कि मैं करूंगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द प्रोटेस्टेंट सेक्ट्स इन नॉर्दर्न यूरोप ब्रॉट न्यू कल्चरल चेंजेस। जो प्रोटेस्टेंट लोग थे इनकी वजह से क्या कल्चरल चेंजेस आए, इन्होंने क्या इतना ज्यादा इंपैक्ट डाला। सो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो है नॉर्दर्न यूरोप में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ, जब मार्टिन लूथर ने अपनी 95 थीसिस नाम से जो उनका वर्क था वो चर्च के डोर पर छाप दिया, इस तरीके से ठोक दिया। भाई इन्होंने लिख दिया अपनी बातों को, क्वेश्चन मार्क लगा दिया इन्होंने पोप के ऊपर और चर्च के ऊपर, कैथोलिक्स के ऊपर, ये कहते हैं इन सवालों का जवाब दो मुझे, और ये जो है चर्च के मतलब जो पोप हैं ये खुद क्यों पैसा खा रहे हैं भाई, और कहते हैं कि गॉड के लिए आप मुझे पैसे दो, गॉड मैं बात करूंगा गॉड से, मतलब कई ऐसी बातें थी जो इन्होंने गलत गलत जो लगती थी लोगों को वो इन्होंने सब लिख दी इसमें। और उसके बाद जो लोग इनके साथ जुड़ गए बहुत ज्यादा, और हुआ क्या कि लोगों को इन्होंने बताया प्रोटेस्टेंट वालों ने, बाइबल को खुद पढ़ो, अपनी खुद की एक इंटरप्रिटेशन बनाओ, जिससे लिटरेसी रेट बढ़ेगी और आपको एजुकेशन की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, और जो ट्रेडिशनल कैथोलिक प्रैक्टिसेस हैं यानी कि जो कैथोलिक लोगों ने अपनी ही कुछ प्रैक्टिसेस बना रखी हैं रीति रिवाज, जैसे संतों की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे हैं, खुद ही अपने आप को ऊपर दिखा रहे हैं, ये सब चीजें गलत हैं। प्रोटेस्टेंट लोग कह रहे हैं भाई सिंपल डायरेक्ट वर्शिप करो, डायरेक्ट जीसस से आप प्रे करो, आप बीच में पोप वगैरह को क्यों ला रहे हो, ये बातें ये लेकर आए। और इनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो उससे आर्ट, आर्किटेक्चर और एवरीडे की लाइफ काफी ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस हुई। इसके अलावा द आइडिया ऑफ प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स, इससे क्या है कि धीरे धीरे प्रोटेस्टेंटवाद वाले लोगों यानी जो ये प्रोटेस्टेंट लोग थे इन्होंने डेमोक्रेसी को ज्यादा लाने की कोशिश करी, कि रिलीजन में एक डेमोक्रेटिक तरीके से काम होना चाहिए, यानी कि जो आप कहते हो पादरी वगैरह जो है ना वो इंटरमीडिएटरी ना रहे इंडिविजुअल और गॉड के बीच में, आप जो है खुद डायरेक्ट बात करो और गॉड से आप खुद कनेक्शन बनाओ अपना, ठीक है, ऐसा आपका माइंडसेट होना चाहिए, ये इन लोगों ने बोला। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है रिलीजियस प्लूरलिज्म बहुत ज्यादा फैला। हुआ क्या, अलग अलग प्रोटेस्टेंट लोग इकट्ठा हुए, जैसे लूदर वाले थे जो उनको लूदरनिज्म वाले लोग कह दिए, जो कैल्विन को फॉलो कर रहे थे वो लोग कैल्विनिज्म वाले कहलाए, और एंग्लिकेनिज्म वाले आ गए, यानी कि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग लोग जुड़ते गए, ये प्रोटेस्टेंट सेक्ट भी बढ़ते चले गए, और इससे क्या होता है कि रिलीजियस प्लूरलिज्म आ गया।
और क्रिश्चियनिटी और बढ़ने लगी। रिलीजियस अथॉरिटी का डिसेंट्रलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। पहले क्या था, चर्च बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज था, जैसा चर्च कहता था वैसा ही होता था, राजा भी इवन चर्च से डरता था, पोप की चलती थी। इन्होंने वो सारी चीजें खत्म करवा दी। इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स, यानी कि इन्होंने ये बोल दिया बाइबल्स या जितने भी हमारे होली टेक्स्ट हैं, आप उनको जो है अपने से समझो। और इन लोगों ने बाइबल की ट्रांसलेशन भी करवाई अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर, ताकि लोग उसको पढ़ें, लोगों में लिटरेसी भी बढ़े। और वर्शिप प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। ठीक है, आप पहले देखोगे बहुत सारे ऐसे रिचुअल होते थे, पैसे देने पड़ते थे जिसके लिए, संतों की पूजा करनी पड़ रही है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बिल्कुल ख़त्म करवा दी। एजुकेशन और लिटरेसी तो भाई बढ़ने लगी, क्योंकि इन्होंने सभी लोगों को बोल ही दिया था कि आप जो है खुद से बाइबल पढ़ो, खुद से सभी टेक्स्ट को पढ़ो। ठीक है, और समरी में अगर आपको बताऊं तो ये है कि प्रोटेस्टेंट लोगों की वजह से कल्चरल चेंजेस आए बहुत ज़्यादा, और जो बाइबल की इंटरप्रिटेशंस वगैरह हैं वो इंडिविजुअल आने लगी, सभी लोग खुद से पढ़ने लगे बाइबल को, और बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ इसकी वजह से। फिर उसके बाद है, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द सी वोयेजेस ऑन द सोशल कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ अर्ली मॉडर्न यूरोप। जो लोग जाते थे यात्रा करने, ट्रेवल करने, और सबसे पहले पहले अर्ली मॉडर्न यूरोप जब सी यानी कि समुंदर की यात्राएं होती थी, सो उससे क्या हुआ, बहुत सारे सोशल कल्चरल और इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन हुए। जैसे जब लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया, यूरोप के लोगों ने, ठीक है, जब ये लोग जाते थे दूर दूर तक जाने लगे, एक्सप्लोर करने लगे नई नई जगहों को, सो इससे क्या हुआ, इनको नए नए जो वो जो वाटरवेज हैं वो पता चलने लगे, नए नए इनको लैंड दिखे, नई नई जगहें दिखी। अब आप खुद सोचो, जो बंदा कभी गया नहीं है दुनिया में इधर उधर, अगर वो पहली बारी पानी की अगर ट्रैवलिंग करके जाएगा कहीं पर, तो उसको नए नए देश भी दिखेंगे, दुनिया को नए तरीके से देखोगे। ठीक है, और इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूरोपियन सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ता है। मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे इमीडिएट इम्पैक्ट जो पड़ा वो ये था कि ट्रेड नेटवर्क बढ़ गया। अब यूरोप वालों की कनेक्टिविटी हो गई दूर दूर तक, एशिया तक, अफ्रीका तक, अमेरिका तक, जिससे फिर वो अपना सामान बेचने लगे वहाँ जा जाकर, अपना सामान, मसाले और कुछ मेटल्स वगैरह। ठीक है, और उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस भी उन जगहों तक चली गई, और ट्रेड पोर्ट वगैरह जो हैं वो बनने लगे। ट्रेड पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो गई, जहाँ पर लोग अपना कल्चरल एक्सचेंज करने लगे, और रेनेसा का पीरियड भी आ गया था इस टाइम तक, और अलग-अलग लोगों से, अलग-अलग सिविलाइजेशन वाले लोगों से ये लोग मिलने लगे। अब मान लो ये यूरोप के लोग हैं, ये पानी से ट्रेवल करके किसी दूर जगह पर जा रहे हैं, वहाँ के तो अलग सिविलाइजेशन वाले लोग होंगे ना, फिर ये उनकी सिविलाइजेशन में अपनी सिविलाइजेशन मिला रहे हैं, सो ये चीज़ होने लगी। और कई सारे ये इंडिजीनियस लोगों से मिले यूरोप वाले, जैसे अमेरिका के जो नेटिव लोग थे, अफ्रीका के, एशिया के, वहाँ से लोगों से ये लोग मिले, और इन्होंने मतलब वहाँ पे देखा कि हमारा ह्यूमन मतलब हमारी ह्यूमन डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, हम तो अलग तरीके से दिखते हैं, वो लोग अलग तरीके से दिखते हैं। और इंटेलेक्चुअली सी वोयेजेस, ये जो यात्रा होती थी पानी वाली, इसको अगर आप देखोगे, मतलब नए नए आइडियाज़ आने लगे। ठीक है, नए नए सामान लोगों को मिलने लगे जो पहले कभी उन्होंने देखे नहीं थे, और क्यूरियोसिटी मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी लोगों के अंदर, नई नई टेरिटरीज एक्सप्लोर होने लगी, जिसकी वजह से जो आप कहोगे कि मतलब मैप वगैरह का यूज़ यहाँ से स्टार्ट होता है, और पहले मैप बहुत थोड़े बहुत होते थे, ठीक है, इनकम्प्लीट होते थे, अब और ज़्यादा मैप अच्छे से बनाए जाने लगे, डिटेल्ड और एक्यूरेट मैप बनाए जाने लगे, ताकि दुनिया को और अच्छे से समझा जा सके। और आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो अब नए नए लैंडस्केप्स को बनाने लगे। भाई आर्टिस्ट लोग, उनको कहीं नई जगह पर वो जाएंगे तो नया उनको फ्लोरा फोना, पेड़ पौधे, नई नई चीज़ें दिखेंगी ना, उसको वो बनाने लगे। नई तरीके का इन्होंने एक एस्थेटिक दुनिया को दिखाया कि हमारी दुनिया कितनी डाइवर्स है नेचर के मामले में भी। कंक्लूजन ये है कि जब लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया, सो ये सिर्फ बाहर जाना एक एक्सपेडिशन नहीं था, यानी कि सिर्फ वो जा नहीं रहे थे, वो एक तरीके से सोशल कल्चरल और इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे यूरोप के ऊपर उसका। और आज तक भी हम इसको इसीलिए याद रखते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें ना हुई होती तो आप सोच भी नहीं सकते कि इतना ज़्यादा किसी को कुछ पता ही नहीं होता। सो क्या होता है कि कल्चर्स आपस में एक्सचेंज होने लगे, ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, और ह्यूमन सिविलाइजेशन कितनी डाइवर्स है ये लोगों को पता लगने लग गया। एक जो फिजिकल बैरियर था पहले वो हट गया, अब दुनिया जो है वो आपस में जुड़ गई इसकी वजह से। सो ये सारी चीज़ें
इन क्वेश्चंस को आप अगर प्रिपेयर करके जाओगे ना तो मोस्टली आपका यहाँ से कवर हो जाएगा जहाँ तक मुझे पता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपना फीडबैक लिखना कमेंट में। मैंने अपनी कोशिश करी कि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाऊँ। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय